फ्रेंड्स, और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जी, और जो कि एस एस टी के मास्टर कैडर एग्जाम के आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, जरूर कर लियो इन्हों। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दो जो सब्सक्राइब नहीं किया हाले तक। ठीक है जी, तो आप शुरू करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संविधानिक प्रमुख निम्नलिखित विचों कौन होता है? तो राज्य सरकार का संविधानिक प्रमुख केड़ा होंदा है जी? तो ए ऑप्शन है मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन है मुख्य सचिव, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है राज्यपाल। तो राज्य सरकार का संविधानिक प्रमुख कौन होंदा है जी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन, राज्यपाल यानी कि गवर्नर। ठीक है जी, राज्य सरकार का संविधानिक प्रमुख राज्यपाल होंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नागरिकां ते मूल कर्तव्यों की सिफारिश निम्नलिखित विचों किस समिति ने की सी? तो नागरिकां ते मूल कर्तव्यों की सिफारिश किसने की सी जी, कि समिति ने की सी? ए ऑप्शन है जी राज नारायण, बी ऑप्शन है बलवंत राय, सी ऑप्शन है पटेल, डी ऑप्शन है स्वर्ण सिंह। तो कि समिति ने सिफारिश की सी जी नागरिकां ते मूल कर्तव्यों की? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन, स्वर्ण सिंह। ठीक है जी, नागरिकां दे मूल कर्तव्यां दी सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की सी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, मैंबर हुंदे होए भी निम्नलिखित विचों कौन वोट देण दे अधिकार तों बिना किसी भी सदन की कार्यवाही विच हिस्सा लै सकदा है? तो कौन है जी वह जिहड़ा कि मैंबर हुंदे होए भी वोट देने के अधिकार तो बिना किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है? तो ए ऑप्शन है जी भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, बी ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, डी ऑप्शन है महान्यायवादी। तो कौन है जी? तो इसका जिहड़ा राइट आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन, महान्यायवादी। ठीक है जी, महान्यायवादी जिहड़ा है जी मैंबर हुंदे होए भी वोट देने के अधिकार तो बिना किसी भी सदन विच किसी भी सदन की कार्यवाही विच हिस्सा लै सकता है। नैक्सट क्वेश्चन है जी, भारत के संविधान विच भारत नूं निम्नलिखित विचों की मन्या गया है? तो भारतीय संविधान विच भारत नूं की मन्या गया है जी? तो ए ऑप्शन है एक अर्धसंघ, बी ऑप्शन है स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, सी ऑप्शन है राज्यों का एक यूनियन, डी ऑप्शन है इन्हां विचों कोई नहीं। तो की मन्या गया है जी भारत के संविधान विच भारत नूं? तो इसका जिहड़ा राइट आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन, राज्यों का एक यूनियन। ठीक है जी, भारत के संविधान विच भारत नूं राज्यों का एक यूनियन मन्या गया है। नैक्सट क्वेश्चन है जी, सब तो घट समय यानी कि सिर्फ 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड निम्नलिखित विचों किस दे नाते है? तो किस दे नाते रिकॉर्ड है जी? सब तो घट समय यानी सिर्फ 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहा, तो कौन सी वह? तो ए ऑप्शन है जी बलदेव सिंह, बी ऑप्शन एच आर खन्ना, सी ऑप्शन एच आर भारद्वाज, डी ऑप्शन है मुहम्मद तस्लिमुद्दीन। तो कौन सी जी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन, एच आर खन्ना। ठीक है जी, सब तो घट समय सिर्फ 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड एच आर खन्ना के नाते है। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन है, भारतीय चोण आयोग ने साल 2010 विच अपनी कि जयंती मनाई सी? तो भारतीय चोण आयोग ने 2010 विच अपनी कि जयंती मनाई सी जी? ए ऑप्शन है रजत जयंती, बी ऑप्शन है स्वर्ण जयंती, सी ऑप्शन है हीरक जयंती, डी ऑप्शन है अमृत जयंती। तो कि जयंती मनाई सी जी भारतीय चोण आयोग ने साल 2010 विच? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन, स्वर्ण जयंती। ठीक है जी, स्वर्ण जयंती मनाई सी यानी गोल्डन जुबली मनाई सी भारतीय चोण आयोग ने साल 2010 विच अपनी स्वर्ण जयंती मनाई सी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, पहली बारी राष्ट्रपति शासन
निम्नलिखित विचों किहड़े राज विच लागू किया गया सी? तो पहली बारी राष्ट्रपति शासन जिहड़ा है जी वह किहड़े राज विच लागू किया गया सी? तो ए ऑप्शन है जी पछमी बंगाल, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है मैसूर, डी ऑप्शन है पंजाब। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन कितने लागू किया गया सी जी, कि राज्य में? तो इसका जिहड़ा राइट आंसर होगा होगा डी ऑप्शन, पंजाब। ठीक है जी, पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू किया गया सी। ठीक है जी, तो दूजी बारी जो लागू किया गया सी केरल में लागू किया गया सी। ठीक है जी, तो पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ सी पंजाब में। नैक्सट क्वेश्चन है जी, लोक सभा मैंबर बनने लई निम्नलिखित विचों केड़ी योग्यता नहीं है? तो लोक सभा का मैंबर बनना होवे तो इन विचों केड़ी है जी योग्यता जिहड़ी नहीं होनी चाहिए, केड़ी है? तो ए ऑप्शन है भारत का नागरिक होवे, बी ऑप्शन है उम्र 30 साल तो घट ना होवे, सी ऑप्शन है पागल जां दिवालिया ना होवे, डी ऑप्शन है सरकारी लाभ के पद ते ना होवे। तो केड़ी योग्यता नहीं है जी लोक सभा मैंबर बनने लई? तो इसका जिहड़ा राइट आंसर होवेगा होवेगा बी ऑप्शन, उम्र 30 साल तो घट ना होवे। ये जी है जी राज्यसभा मैंबर बनने लई हुंदी है, इसलिए यह योग्यता नहीं है लोक सभा मैंबर बनने लई। लोक सभा मैंबर बनने लई जी उम्र है जी वह 25 साल होनी चाहिए है। नैक्सट क्वेश्चन है, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी की नियुक्ति निम्नलिखित विचों कदों की गई सी? तो संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी की नियुक्ति जी है जी कदों की गई सी? तो ए ऑप्शन है 29 अप्रैल 1947, बी ऑप्शन है 11 जून 1947, सी ऑप्शन है 29 अगस्त 1947, डी ऑप्शन है 16 दिसंबर 1947। तो संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी की नियुक्ति कदों की गई सी जी? तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा सी ऑप्शन, 29 अगस्त 1947। ठीक है जी, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 की गई सी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, पंचायती राज की दृष्टि तो महत्वपूर्ण समिति निम्नलिखित विचों केड़ी है? तो पंचायती राज की दृष्टि से देखा जाए तो महत्वपूर्ण समिति उस दिल्ली केड़ी है? तो ए ऑप्शन है जी सरकारी आयोग, बी ऑप्शन है प्रशासनिक सुधार आयोग, सी ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, डी ऑप्शन है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। पंचायत राज की दृष्टि तो महत्वपूर्ण समिति केड़ी है जी? तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा सी ऑप्शन, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है जी, जी पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण समिति है जी वह है बलवंत राय मेहता समिति। राइट आंसर होगा जी सी ऑप्शन। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स ये 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जी जे कि SST के मास्टर कैडर एग्जाम के पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, जरूर कर लो इन्हों। तो मेरे चैनल में सबसक्राइब जरूर कर दो, जेकर सबसक्राइब नहीं किया तो बैल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें रैगूलर मिलता रहे। ठीक है जी, उस तो अलावा कोई डाउट हो कोई क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हो, मैं तुम्हें रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा जी। ठीक है जी, तो आप मिलते हैं जी नैक्सट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाल, उदों तक लई थैंक यू।